whether we want to reward merit or works. The question is like this: what do you believe must be rewarded, merit or birth? If you believe birth must be rewarded, how will you ensure that legislation is passed to that effect? If you believe merit must be rewarded, how will you ensure that legislation is passed to that effect? What will be the salient points of your speech in case you need such a legislation in the parliament? मराठी मध्ये मी वसु दाखवला आहे. एक मिनिट, मराठी दाखवते कारण काही लोकांना मराठी जास्ती अपील होईल. आपण योग्यता किंवा पात्रतेविषयी निर्णय घेताना कोणते निकष वापरता? जन्म प्रधान बर्थ बेस्ड का गुणकर्म प्रधान मेरिट बेस्ड? आपल्याला कोणते निकष पटतात, योग्य वाटतात का? आपणास जर लोकसभेत जन्मप्रधान निकषांवर योग्यता पात्रता ठरवावी असा कायदा प्रपोज करायचे काम दिले गेले तर आपल्या भाषणाचे मुद्दे काय असतील? आणि गुणकर्मप्रधान निकषांवर योग्यता पात्रता ठरवावी असा कायदा प्रपोज करायचे काम दिले तर आपल्या भाषणाचे मुद्दे काय असतील? इज इट अ क्वेश्चन अबाउट रिझर्वेशन? I just want to clarify myself. Yes. So you can make a reservation. You can bring in whatever you like. That is no problem with us. But what we would like to know is, does merit have the value, or does birth have the value, or does both have the value? I mean, we are talking about crony capitalism. We are talking about dynastic politics. We are talking about all kinds of things. So I think these are very valid questions, even looking at that, which has nothing to do with reservations. We are talking about whether people should get whatever they get, their patrata or yogyata is decided on merit or is it decided on worth? मैं तो ऐसा मानने वाला आदमी हूँ कि मुझे जो उसका आकलन हुआ है उसके बारे में फिर बात करो. एक तो जन्म से सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई भी बच्चा कम या ज्यादा नहीं होता है जन्म से. जन्म के आधार पर किसी के बीच कोई किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सालों से हमारी सोसाइटी में इस तरीके का भेदभाव होता आया और उसके कारण एक जो मागास सांस्कृतिक संचित बना है समाज में, उसके चलते अभी रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं या मराठी में जिसे सकारात्मक भेदभाव बोलते हैं, उसकी जरूरत है. मतलब जन्म से किसी से किसी में कुछ फर्क तो होता नहीं है, लेकिन फर्क किया गया सालों से, तो उसको दुरुस्त करने के लिए अब कुछ सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसी पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ता. उसके बारे में तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरिट हमेशा मेरिट ही फॉलो होना चाहिए. लेकिन मेरिट हम किसे करें, व्हाट इज द मेरिट, इसके बारे में ज्यादा चर्चा होने की जरूरत है. जैसे हमारे समाज में जो लिखने वाले लोग हैं, अगर किसी का हस्ताक्षर बहुत सुंदर होता है तो उसे मेरिट कहा जाता है. लेकिन कोई बच्चा अगर जन्म से एक बहुत ऊंचे पेड़ पर बहुत आसानी से चढ़ सकता है तो उसे मेरिट नहीं कहा जाता. या हम लोग अगर किसी महापुरुष की पुण्यतिथि या जयंती के अवसर पर एक बहुत अच्छा भाषण रट लगा के एक अच्छा भाषण कर दे तो उसे मेरिट कहा जाता है. लेकिन एक किसान जब अनाज बोता है तो वो जो प्रक्रिया होती है, मैं गांव समाज से आया हूँ और गांव समाज में बहुत सारे किसान होते हैं, लेकिन हर किसान वो अनाज बोने का काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता है. अनाज बोने वाला काम भी कुछ किसान नहीं कर सकते, उसमें काफी स्किल की जरूरत होती है. मतलब एक समान वो दाना छोड़ना, वो एक समान नहीं छूटता है तो फिर पूरी फसल गायब जाती है. लेकिन अच्छा भाषण करना मेरिट माना जाता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से फसल बोना उसे कभी मेरिट माना नहीं. तो रिवॉर्डिंग मेरिट और रिवॉर्डिंग बर्थ बात है तो मुझे तो वही मतलब समझ आ रही है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समाज में मेरिट क्या होगा इसकी भी एक नई परिभाषा तय करनी होगी, जिसका मेरे कहने का एक सीधा मतलब यह है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स मेरिट सही नहीं होते हैं. जो लोग धूप में मेहनत करके
कोई नई चीज निर्माण करने का स्किल हासिल करते हैं, वो भी एक अपने आप में एक मेरिट होता है, जिस मेरिट को इस समाज में आज तक रिवार्ड नहीं किया गया है, उस मोमेंट का मैं कार्यकर्ता हूं, इसलिए वो बात कर रहा हूं। आपको अलग राय आपकी हो सकती है, मैं एग्री विद। अभी अगर ये मेरिट की परिभाषा अगर हम एक बार ठीक से सुधार लें, जो मैं कह रहा हूँ सदन से, तो निश्चित रूप से डायनेस्टी रूल नहीं होना चाहिए। बर्थ के आधार पर मैं दो चीजें एज ए प्री कंडीशन रखती है, जन्म के आधार पर सालों से हुए भेदभाव को दुरुस्त करना और मेरिट की परिभाषा, वो दो बैकग्राउंड के अलग के ये बात की पूरी स्पष्टता से कह सकता हूँ कि जन्म के आधार पर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, डायनेस्टी रूल नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर किसी को कोई रिवार्ड नहीं होना चाहिए, मेरिट ही सभी चीजों को तय करने का एक इंडिकेटर होना चाहिए। Actually, I am going to ask you a question. I think I would like to share with you where I am coming from. I am a woman and I have been pushed out as a woman for generations, no matter which community I belong to. Jaa kodi bai ka, kudlai kaam karta, tela kadhi bhav dina gelina nahi hai. I totally agree. Just housewife, asa manta. Jaa mi ka kadhi asa manta nahi hai, fakta intellectual. We are talking about all kinds of merit. Gender is a kind. I agree with you. महिला जो housewife काम करती है, उनकी जो कीमत होती है, हम लोगों ने बीच में उसके बारे में कुछ लिखा भी प्रकाशित की थी कि जो housewife घर में काम करती है, उसकी असल में कीमत क्या होती है, समाज में कीमत उसको नहीं दी जा रही है। तो ये जो gender based आपको मुद्दा रखा है, मैं पूरी तरह से आशा करता हूँ। Every question we give 2 minutes for people to ask, so that's how it is. I was asking ki, do you believe in reservations in the private sector? Not legislative reservations, but मैं ये कहूँगा कि सरकारी नौकरियाँ सिर्फ 6 या 7% है या 5% होगी, और जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है वो सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद लेके वो निश्चित रूप से खड़ा होता है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी समुदाय के लोगों को वहाँ भी अवसर अगर मिले, तो जो लोग इस तरीके से अवसर देंगे उनके लिए इंसेंटिव्स की जरूरत, इंसेंटिव्स की प्रोविजन करनी चाहिए। मैं लेजिस्लेशन करके रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समुदाय को वहाँ भी ठीक से अवसर मिले इसके लिए कोई प्रोत्साहन देना चाहिए। Not necessarily, it is our own opinion. Okay, one more question and then we will go to the next one. Use a mic. Anita. 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 Another question on education, then this will come back again. आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि ये जो शोषित वंचित तबके है उनमें उद्योजकता बढ़े इसके लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैं आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। Anil Lade, I wanted to ask you a question about the dynastic rule, that there should be no dynasty, perfectly fine. Would you also say that at the level of Gram Panchayat or municipal corporation, the son of a fourth level Karmachari should not take his